गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा काम पाठ हमारा वही चल रहा है, एक दिन की बादशाह। और इसमें आज जो काम लिया है उसका हेडिंग है तुम्हारी बात। इसमें पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे? इसका आंसर है, खूब देर तक सोऊंगी या सोऊंगा, अपनी पसंद का खाना बनवाऊंगी या फिर बनवाऊंगा, अपने बड़ों से वो सारे काम करवाऊंगी जो जो वो मुझसे करवाते हैं, ये तो आप करोगे ही, पक्का मुझे पता है, और कंप्यूटर पर अपने पसंद के खेल खेलूंगी, परिवार के साथ पिकनिक मनाने जाऊंगी। ठीक है, ये सारे काम आपकी पसंद के हैं और इनको आप ज़रूर करना चाहोगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे, तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? इसका आंसर है बच्चों, मेरे विचार से नीचे लिखे काम आरिफ और सलीम को बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे। अब वे कौन कौन से काम हैं? उसमें सबसे पहला काम है सही समय पर रात को सोने व सुबह उठने का काम, क्योंकि ये चीज़ तो फ़ायदे की होती है, इसलिए रात को समय पर सोइए और सुबह समय पर खुद ही आप उठ जाएंगे। घर गंदा ना करना और शोर ना करना, क्योंकि ये काम दोनों ही गंदे हैं, इनको आपको शिकायत नहीं, उनको भी शिकायत नहीं होनी चाहिए और आपको भी नहीं, ये काम आपको मान लेने चाहिए और आरिफ और सलीम को भी मानने चाहिए थे। अपने शरीर को साफ रखने का काम, उसमें कपड़े हैं, अपने नाखून हैं, अपना ब्रश करने का तरीका है, सारे कामों को, ये नहीं कि हर काम के लिए हम अपने पेरेंट्स पर ही आश्रित हो जाएं और हम खुद करें ही ना। ठीक है, तो उसी तरह से आरिफ और सलीम को भी ये काम करने चाहिए। घर से बाहर न घूमना, उन दोनों बच्चों को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और ये कहना मानना चाहिए था, और आप पर भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। दोस्तों के साथ गप्पे न मारने का काम, बहुत देर हो जाती है, मम्मी गुस्सा करने लगती है, और आरिफ और सलीम को भी ये काम नहीं करने चाहिए थे, चुपचाप कहना मानना चाहिए और पैसे बर्बाद ना करना। आरिफ और सलीम को जितनी पॉकेट मनी मिलती थी उसे में उन्हें गुजारा करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से आपको भी ये चीज़ अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। ठीक है, इसका एक और पार्ट था कि मेरे विचार से नीचे लिखे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। अब वे कौन कौन से काम हैं जिनके लिए आरिफ और सलीम को मना कर देना चाहिए था? तो उसमें पहला काम है कि मिर्चों का सालन खाने से, उन्हें तो बहुत चिढ़ थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़ों के लिए मिर्चों का सालन ही बनवाया था, है ना, क्योंकि वो मिर्चों का सालन उनको देते थे और मीठा उन्होंने एकदम उनके खाने से नदारत किया हुआ था, तो उनको ये मिर्चों का सालन खाने के लिए मना करने चाहिए था, और निहायत बेकार कपड़े पहनने से भी उनको मना करना चाहिए था। जो कपड़े उनको पसंद नहीं थे, बड़े कह कह के अच्छे कपड़े उतरवा देते और वो पुराने घिसे पिटे जो उन्हें पसंद नहीं थे वो कपड़े उन्हें पहनने को कहते, तो उनको ये दोनों काम के लिए मना करना चाहिए थे। और मुझे उम्मीद है आप भी करते होंगे, जब आपकी पसंद का खाना नहीं बनता है, मिर्च मसाले तेज़ होते हैं, आप एकदम कहते होंगे मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाती, और कभी कभी मम्मी आपको वो ड्रेस पहनाती हैं जो पसंद नहीं होती हैं, तो तब भी आप मना करते होंगे, है ना। तो चलिए, ये तो एक जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जितना भी मैं काम आपको देती हूँ आप इस काम को साथ साथ याद करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम इतना ही। ओके बच्चों।